जिंदगी जीने के दो ही असूल रखना। पहला, काम ऐसा करो कि हमेशा हमेशा के लिए नाम हो जाए, या फिर दूसरा, नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। सिक्का दोनों का होता है, हेड्स का भी और टेल्स का भी, लेकिन जीत उसी की होती है जो पलट के ऊपर आना जानता है। तो अगर जिंदगी में सच में जीतना चाहते हो तो चाहे कितनी भी बड़ी हार मिली हो, पलट कर ऊपर आना सीखो। तजुर्बा बता रहा हूं यार, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल कर तो देख, तू भी सिकंदर है। इंतजार क्या होता है ये मुझे ना सिखाओ, उसकी एक आवाज की खातिर आज तक नंबर नहीं बदला। टूट जाते हैं गरीबी में वो रिश्ते जो खास होते हैं, हजारों रिश्ते बनते हैं जब पैसे पास होते हैं। इंसान प्यार करने के लिए होता है और पैसा इस्तेमाल करने के लिए, पर दर्द तो तब होता है जब लोग पैसों से प्यार करते हैं और इंसानों को इस्तेमाल करते हैं। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, लेकिन वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। लोग कहते हैं पैसा इंसान को बदल देता है, पैसा इंसान को बदलता नहीं है, सिर्फ उसका असली चेहरा सामने ले आता है। अगर किसी भी इंसान का असली रूप देखना हो ना, तो एक बार उसके पास पैसा आने देना। अगर उसके बाद भी वो बंदा डाउन टू अर्थ रहता है, हम्बल रहता है, सबको इक्वली ट्रीट करता है, तो इसका मतलब वो सच में अच्छा इंसान है। और अगर पैसा आते ही वो इंसान ही बदल जाए जिसे तुम जानते थे, तो कभी वो इंसान वैसा था ही नहीं जैसा तुम उसे जानते थे, वो सिर्फ नाटक कर रहा था। ऑलराइट, अगर आप सच में अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो चाहे पैसा हो चाहे ना हो, अपनी इंसानियत कभी मत छोड़िएगा। ऑलराइट, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की से शादी करे, समाज वाले सवाल उठाते हैं। एक हिंदू लड़का एक हिंदू लड़की से शादी करे और शादी टूट जाए, समाज वाले सवाल उठाते हैं। एक हिंदू लड़का शादी ना करे, समाज वाले सवाल उठाते हैं। बेटा, समाज वालों का तो काम है सवाल उठाना, रुई किस दिन काम आएगी। तू निकम्मा है, नाकारा है, आजियों की तरह पड़ा रहता है, जब देखो जब मोबाइलों पे पड़ा रहता है। अरे कब तक माँ बाप का खाएगा, कौन करेगा रिश्ता तेरे साथ? अरे बस यार बस, बहुत सह लिया, कब तक लोगों के ताने इसी तरीके से सहते रहेंगे? अरे कब तक माँ बाप के पैसों का खाते रहेंगे, कब तक? बस बहुत हुआ, बहुत सह लिया, बहुत सुन लिया, अब आपकी बारी है। अब हो जाओ सीरियस अपनी लाइफ को लेकर, और इतनी मेहनत करना, इतनी मेहनत करना कि जिस समाज ने तुम्हें सबके सामने बेइज्जत किया था, वो एक दिन अपने बच्चों को ये सीख दे कि बेटा लाइफ में किसी के जैसा बनना हो ना, तो इनके जैसा बनना। ऑलराइट, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। आजकल के ज्यादातर बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, उनके अंदर एक नई प्रॉब्लम बहुत पड़ रही है, और वो ये कि उनका अपने डैड से बात करना कम होता जा रहा है। अपने ही डैड से बच्चों की बनती नहीं है आजकल, ईगो क्लैशेस आ रहे हैं, और ये प्रॉब्लम ज्यादातर लड़कों में देखी जा रही है, और कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि माँ है ना, माँ के सब क्लोज है, क्योंकि माँ है ना, माँ इमोशनल होती है, उसने तुम्हें अपने पेट के अंदर रखा है ना 9 महीने। मैंने ऐसे ही एक दिन एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार लास्ट तेरी तेरे डैड से कब बात हुई थी? उसने पता है क्या कहा? कि यार 6 महीने हो गए। मैंने पूछा क्यों? कहता है यार उनकी बातें ही नहीं समझ में आती, ज्ञान बहुत बांटते हैं। मैंने बस उससे एक ही बात कही, मैंने कहा जिस दिन तू पैदा हुआ था ना, उस दिन तेरी माँ बेहोश थी, सबसे पहले अगर इस दुनिया में किसी के चेहरे पे खुशी आई थी ना, तो वो तेरा बाप था। और जहाँ तक बात है ज्ञान बांटने की, माँ का प्यार सबको समझ में आता है, बाप ना जाने के बाद समझ में आता है।
मुझे ना पहले खर्चा करने का बहुत शौक था, और ऐसा नहीं है कि खर्चा करना कोई बुरी बात है, लेकिन लिटरली जिसे कहते हैं ना कि पैसा हाथ में टिकता ही नहीं है, वो हालत थी। कुछ भी देख लिया खरीद लिया, लिटरली वो हालत थी। घूमने गए, कुछ भी देख लिया, पसंद आ गया उठा लिया, और उसके बाद मालूम है कि आने वाले 10 दिन बिल्कुल पैसा नहीं अकाउंट में, लेकिन क्या करें। फिर एक दिन किसी को देखने हॉस्पिटल गया, वहां देखा एक माँ और उसका बच्चा भूखे बैठे हुए थे। मैं वहां कैफेटेरिया में कॉफी खरीद रहा था, इतने में उसकी माँ आई। उसकी माँ ने कहा एक पार्ले जी का बिस्किट देना 5 रुपए वाला। इतने में उसका बच्चा आया पीछे से, पता है उसने क्या कहा? कि रहन दो माँ, पापा के ऑपरेशन के लिए काम आएंगे। गाइज द पॉइंट बीइंग, पैसा एक ही भाषा बोलता है कि आज अगर तुमने मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। सो प्लीज अननेसेसरी पैसा खर्च करने की बजाय उसे बचाएं और इन्वेस्ट करें, ताकि आपकी आने वाली जिंदगी सेफ और सुरक्षित रह सके। ऑलराइट, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। 67% of Indians are suffering from sleep deprivation during lockdown. Guys, listen to this seriously, because our sleep is directly proportional to our success. अगर टाइम से सोएंगे नहीं तो टाइम से उठेंगे नहीं तो नींद पूरी नहीं होगी, नींद पूरी नहीं होगी तो चिड़चिड़ापन रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा तो काम में मन नहीं लगेगा तो सक्सेस तो बहुत दूर की बात, सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। सो गाइज, अगर आपको भी टाइम से नींद नहीं आती है, देन ट्राई आउट दिस मेथड। दिस मेथड इज नोन एज 4-7-8 मेथड। यस, यू हर्ड दैट राइट, 4-7-8। इसमें करना क्या है, सोने से पहले जब आप बिस्तर पे लेटे हो, अपने पूरे शरीर को 2 मिनट के लिए पूरा रिलैक्स छोड़ दें, आंखें बंद कर दें, एंड देन 4 सेकंड के लिए नाक से सांस लेनी है, देन 7 सेकंड के लिए उस ब्रीथ को होल्ड करके रखना है। ये हो गया 4-7। नेक्स्ट कम्स 8, उसे 8 सेकंड तक मुंह से छोड़ना है। ट्राई दिस टेक्निक आउट 21 times, 21 तक तो आप गिन ही नहीं पाएंगे, उससे पहले ही आपको नींद आ जाएगा, वो भी नॉर्मल स्लीप नहीं, डीप स्लीप, जिससे कि यू विल वेक अप ऑन टाइम फीलिंग रिफ्रेश्ड एंड एनर्जाइज्ड। एंड एक सीक्रेट बताऊं, दिस टेक्निक इज यूज्ड बाय आवर इंडियन सोल्जर्स एज वेल, जिनको बॉर्डर पे बहुत कम नींद मिलता। लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। अच्छा गाइस, वन क्विक क्वेश्चन, ये कितने का नोट है? 200, गुड। अभी भी 200, अभी भी 200। अरे यार, कुछ तो बदला होगा, ध्यान से देखो। नहीं, अब तो कुछ बदला होगा नहीं ना। जब इस 200 के नोट को कितना भी रगड़ो मोड़ो दबाओ, इसकी कीमत उतनी की उतनी रहती है। तो फिर लोग जब आपको दबाने की कोशिश करते हैं, आपको यह बताने की कोशिश करते हैं कि तू किसी काबिल नहीं है, आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, आप क्यों दब जाते हैं? आप क्यों ऐसा समझने लग जाते हैं कि उसका 200 रुपए 2 लाख के बराबर है और आपका 200 रुपए 2 रुपए के बराबर? गाइज, ऊपर वाले ने हम सबको बराबर बना के भेजा है, ना ही किसी से कम ना ही किसी से ज्यादा। तो जब ऊपर वाले ने हमें बराबर बना के भेजा है, तो किसी के बाप में दम नहीं है कि वो हमें नीचा दिखा सके या वो हमें दबा सके। Alright, so don't let anybody ever tell you that you're not good enough, because you are the best creation that God has ever done. Alright, let's become successful together. We are now a family of 1 million plus on TikTok. Thank you for all the love and support that each one of you has given. But thank you is just a word. I wanted to do something more. Aaj na, aapke andar ek aag hogi. Kuch banne ki aag. अपने सपनों को पूरा करने की आग। लेकिन बहुत बार उन सपनों को पूरा करने में आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। बहुत बार ऐसा भी लगेगा दैट यू शुड गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। सपने पूरे नहीं हो सकते। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिस दिन भी यू थिंक ऑफ गिविंग अप ऑन योर ड्रीम्स, उस दिन बस एक बात याद रख लेना कि एक लड़का था, उसने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी थी कि इस जन्म में नहीं तो कभी नहीं। डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स।